जान जोखिम में डालने को लोग मजबूर। खुल गई मध्य प्रदेश के विकास की पोल। गर्भवती महिला को पार कराई नदी। ये नजारा देखिए, जिसे देखकर आपके भी हाथ पैर फूल जाएंगे। ये तस्वीरें हैं बदलते भारत की। ये तस्वीरें हैं नए भारत की, जहां विकास के तमाम दावे किए जाते हैं और जब बारिश आ जाए तो इन दावों की धज्जियां कैसे उड़ती हैं, ये आप तस्वीरों में बखूबी देख सकते हैं। जरा सी चूक अगर हो जाए तो सीधे जान चली जाए। आपको सारा मामला बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि कैसे एक गर्भवती महिला को नदी पार कराने के लिए मजबूर लोग उसे खाट पर लेटा कर ले जाते हैं। थोड़ा देना, ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की, वही मध्य प्रदेश जहां के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। ये घटना मध्य प्रदेश के बैतूल की है। पिछले 4-5 दिनों से बैतूल में रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में नदी नाले सब उफान पर हैं। इसी दौरान शाहपुर क्षेत्र के जामुनढाना गांव में रुपेश टेकाम की गर्भवती पत्नी मयंती टेकाम को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाना था, जहां सबसे बड़ी समस्या ये थी कि गांव से मुख्य मार्ग तक जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। यहां पहाड़ी नदी उफान पर थी, इस वजह से एम्बुलेंस या कोई भी दूसरा वाहन गांव तक पहुंचना नामुमकिन था। दर्द से तड़पती मेहनती को प्रसव पीड़ा से निजात दिलाने के लिए रुपेश ने गांव के लोगों से मदद मांगी और 5-6 ग्रामीणों ने खाट पर मेहनती को लिटाकर अपनी जान हथेली पर रखकर उफनती नदी पार करवाते हुए नजर आई। महिला को बाद में अस्पताल पहुंचाया, जहां वो अब पहले से बेहतर है। लेकिन इन तस्वीरों ने मध्य प्रदेश के विकास की पोल जरूर खोलकर रख दी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। थोड़ा देना, Thank you.